श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो भजते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। इसका अर्थ है शांत, सनातन, अप्रमेय। अप्रमेय मतलब जिसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि कामादि दोषरहितं कुरुमानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर सब हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। आप सब जानते हैं कि किसके मन में क्या है, तो आप ये भी जानते हैं कि मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुवज्ञ कुशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत या सुमेरी पर्वत के जैसे कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को नष्ट करने वाले, यानी कि दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य या सबसे बड़े या सबसे आगे रहने वाले, संपूर्ण गुणों के निधान यानी कि सारे गुणों की खान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इससे पहले किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे में हमने देखा कि सब वानर सीता जी को ढूंढने के लिए समुद्र के किनारे तक तो पहुँच गए, पर आगे जाकर उन्हें रास्ता नहीं मिला। वहाँ जाकर सब के सब परेशान हो गए और सब विचार करने लगे कि आगे क्या किया जाए, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब ऐसे में उनमें जो सबसे अनुभवी और जो सबसे बुजुर्ग थे जामवंत जी, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप तो पवन के बेटे हैं, उन्हीं के समान आपका बल है, बुद्धि और विवेक और ज्ञान आप में बहुत सारा का सारा है और आपके लिए कोई भी काम संसार में कठिन नहीं। ये सुन के हनुमान जी को एकदम से ये लगा कि हम मैं ये काम कर सकता हूँ। उन्हें अपना बल याद आ गया और उन्होंने जामवंत जी से पूछा कि जामवंत जी, आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है। तो जामवंत जी ने कहा कि आप वहाँ जाके सिर्फ सीता जी की खबर लेकर आइए और उसके बाद सीता जी की खबर हम रघुनाथ जी को सुनाएंगे और वहाँ जाकर राक्षसों और रावण का नाश करेंगे। अब इससे आगे चलते हैं। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लग मुई पर खेव तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा कि हे भाई, तुम कंदमूल फल खाकर और दुख सहकर मेरी राह देखना। जब लगी आवाओं सीते ही देखी हुई अकाज मई हर्ष विशेखी यह कह ना इस सभनी कहूँ माथा चले हर्ष यह धर रघुनाथा। कब तक इंतज़ार करें? जब तक वो सीता जी को देखकर लौट नहीं आते काम ज़रूर होगा, क्योंकि हनुमान जी के मन में बहुत हर्ष और उत्साह था। ये कहकर हनुमान जी ने सबको मस्तक नवाया और अपने
मन में श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके हनुमान जी हर्षित होकर आगे चल पड़े। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतक कूद चढ़े उता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे पे एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी खेल खेल में कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रामचंद्र जी को याद करने लगे और उसके बाद बड़े तेजी से हवा में वो उछले। जय गिरी चरण दे हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंता जिमिय मोग रघुपति कर बाना ये ही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले वो इतनी तेजी से उछले कि पर्वत जमीन में धंस गया और हनुमान जी उस तरह चले जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है। जल निधे रघुपति दूत विचारी तय में नाक हो श्रमहारी। और समुद्र ने देखा कि ये तो रामचंद्र जी का दूत है और समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, आप श्री हनुमान जी को विश्राम करने के लिए जगा दीजिए। मैनाक पर्वत जो है समुद्र से निकल के बाहर आए और हनुमान जी को विश्राम करने के लिए उन्होंने जगा दी, लेकिन हनुमान जी ने उन पर विश्राम नहीं किया। क्यों आग बता। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज की नहीं बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तब हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को छुआ और उसके बाद उन्हें प्रणाम किया और कहा कि राम काज किए बिना मुझे कहीं विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम अहिन कहे माथा पठिन आए कहीं ते ही बाता। देवताओं ने जब हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उन्होंने ये सोचा कि हनुमान जी का बल और बुद्धि की परीक्षा ली जाए। इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा और उन्होंने सुरसा ने आकर हनुमान जी से यह कहा, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा राम काज करे फिर मैं आऊँ सीता कहे सोधि प्रभु ही सुनाऊँ। तो सुरसा ने क्या कहा, सुरसा ने कहा कि आज बड़े दिन बाद देवताओं ने मुझे खाना दिया है और अब मैं तुम्हें खाऊंगी। ये वचन सुन के हनुमान जी ने कहा कि पहले मैं रामचंद्र जी का काज करके वापस लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन बैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोई जान दे माई कहने वो जतन दे ही नहीं जाना कस से न मोहि कहे हनुमाना। और उसके बाद हनुमान जी ने कहा, उसके बाद आकर मैं खुद तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा, मैं सत्य कहता हूँ अभी माता मुझे इस समय आप जाने दीजिए। पर किसी भी तरीके से उन्होंने हनुमान जी को जाने ही नहीं दिया। हनुमान जी ने उनसे बार बार कहा कि आप मुझे मत खाइए, लेकिन सुरसा नहीं मानी। जो जन भरते ही बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा सोर जो जन मुकते ठहू तुरत पवन सुत बत्तीस भय। सुरसा नहीं मानी और उसने अपना मुँह योजन भर का कर लिया। हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दुगना बढ़ा लिया। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अपना मुँह सुरसा ने अपना मुँह 16 योजन का किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु धून कपि रूप दिखावा सत योजन ते ही आनन कीना अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा का मुँह बढ़ता गया हनुमान जी भी अपना उसका दुगना रूप दिखाते गए और जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुँह किया तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप ले लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा मागा विदाता ही सिर नावा मोहि सुरन जहि लाग पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और जैसे उन्होंने सुरसा ने अपना मुँह 100 योजन का किया हनुमान जी उसके मुँह के अंदर गए और निकल के बाहर आ गए और फिर उन्होंने उससे विदा मांगी और कहा कि देखो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तब सुरसा ने कहा कि हे हनुमान जी, मैंने तुम्हें बुद्धि और बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और तब सुरसा ने उनसे कहा कि तुम रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे
क्योंकि तुम बल और बुद्धि दोनों के भंडार हो। और यह आशीर्वाद देकर सुरसा अपने लोक को चली गई और हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले गए। तो अभी सुंदरकांड के एक दोहा और दो दोहा हमने पूरे किए हैं। आगे के दोहे के लिए अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।